बज चुके 8 और मैं भी आया हूँ शुगर केन के खेती पे, क्योंकि गाइज अभी हमारे जो इधर बिहारी लोग हैं वो छठ पूजा मना रहे हैं, और हमारा दीदी जो है गाइज वो भी बिहारी में शादी हुई है, तो इसलिए वो लोग भी छठ पूजा मना रहे हैं। तो हमारे जीजा जी ने मुझे कहा कि सुबह सुबह कॉल करके कहा कि जाओ ये शुगर केन की कुछ मतलब इसे क्या कहते हैं हिंदी में, उखने यार गन्ने कुछ गन्ने को तोड़ के लेके आओ कहा था, तो इसलिए मैं आया था गन्ने को तोड़ के लाने के लिए, क्योंकि छठ पूजा जो होता है ना गाइस, इस छठ पूजा में इसका यूज किया जाता है, तो इसलिए मैं लेने आया था। तो गाइस वेलकम टू दी चैनल, तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो आज हम आपको बताएंगे कि छठ पूजा किस तरह से मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है। मैं आपको कुछ उसके मतलब कुछ उसके पीछे कुछ रीजन होते हैं ना, कुछ राज होते हैं छठ पूजा क्यों मनाया जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं खुद जान लूंगा उसके बाद आपको बताऊंगा। तो आज के इस ब्लॉग पर अंत तक बने रहना, आपको आज इस ब्लॉग पर बहुत ही मजा आएगा, आई होप कि आपको इस ब्लॉग पर कुछ सीखने को मिले। तो चलिए आज का ये ब्लॉग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ गन्ने तोड़ लिए, तकरीबन अभी 5 गन्ने हमने काट लिए, हमें चाहिए 15 गन्ने। तो इधर हमारा भाई जो है काट रहा है, और गन्ने काटने का मतलब गाइस तरीका ऐसा है कि मतलब हमें कुछ ये आरा टेढ़ा गन्ने की जरूरत नहीं, हमें एकदम सीधी सीधी गन्ने काटनी पड़ेंगी ताकि वहाँ पर कुछ तकलीफ ना हो, जब हम लगाएंगे तब तकलीफ ना हो, इसलिए हम सीधे सीधे गन्ने काट रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही सीधे गन्ने हैं, और हमारे भाई जिसका नाम है प्रकाश कुमार, ये भी एक बिहारी से ही बिलोंग करता है, ये भी आज इसके घर पर भी शायद छठ पूजा मनवाया जाएगा। लेकिन जो भी हो हमें तो खाने को मिलेगा गाइस, क्योंकि छठ पूजा पर है, जो मिठाई बनाता है मुझे वो बहुत ही पसंद है, और मैं उसी के लिए बहुत ही बेताब हूँ। मैं इसलिए आ रहा हूँ ताकि नहीं तो इतने सुबह सुबह मैं उठ के आना नहीं था, मैं इसलिए आया हूँ ताकि बाद में कुछ मेरा फायदा हो। देख सकते हो गाइस हमारा भाई जो है बहुत ही मेहनत कर रहा है, वो अकेला ही काट रहा है, मुझे काटने की जरूरत ही नहीं है, नहीं तो मुझे भी काटना पड़ता था। गाइस मैं यहाँ क्यों काटने नहीं जा रहा था कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सफेद सफेद कुछ लगा हुआ है इस पर, और ये जो है कि पूरे कपड़े पर लग जाती है, इसलिए मैं जाना नहीं चाहता, इसलिए मैंने उस भाई को भेज दिया, क्योंकि वो पहले से गंदा हो चुका है ना, तो मैं नहीं जाऊंगा। तो मैंने उसे कहा कि तुम काटो, मैं इसे बुक के ले जाऊंगा, घर ले जाने की भी जरूरत है ना इसे, तो मैं इसे बुक के ले जाता हूँ, वो काटेगा। तो अभी इसे हम घर लेके जाएंगे, अभी तकरीबन इसमें हो गए 8 पीस, तो हमें चाहिए 15 पीस, तो 15 पीस तो अभी नहीं हुआ है, तो फिलहाल वो काट रहा है अंदर में। तो काटने के बाद इसे हम लेके जाएंगे घर में, उसके बाद शाम को गाइस आज छठ पूजा होगा, और कल सुबह भी एक छठ पूजा, मतलब कल सुबह भी होगा वो पूजा जो ना, जो कैरी ऑन करते रहेंगे वो लोग, कल सुबह भी होगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मनाया जाता है वो छठ पूजा, बने रहना इस ब्लॉग पर। तो गाइस अभी हम बढ़ चढ़े इधर, देखिए आप शुगर केन देख सकते हो, बहुत ही मुश्किल से ले जाना पड़ रहा है, जैसे कि मैंने इस भाई को कहा था कि मैं लेके जाऊंगा, इसलिए अभी मैं लेके जा रहा हूँ, वो भी मदद कर रहा है, वो बहुत ही मददगार इंसान है गाइस, ये इसका आप सपोर्ट करना है, इसका भी एक चैनल है, मैं लिंक दे दूंगा, इसको सपोर्ट करना गाइस। तो मिलते हैं गाइस घर पहुंचने के बाद, देखते हैं वहां का माहौल कैसा बना हुआ है, अभी पता नहीं गाइस। वो भाई ने मुझे गाली खिला दी, क्योंकि उसने बहुत ही बेकार शुगर केन, यहाँ कहे कि क्या बोलता है हिंदी में, तो हम भूल जाता है यार, गन्ने काट के लाए थे, तो मैंने उसके वजह उस गन्ने में पता नहीं ऐसा सफेद कलर का पूरा मतलब रंग लगा हुआ था, मतलब पूरा कीड़ा मैंने आपको दिखाया था ना, सफेद कीड़ा, वही कीड़ा लगा हुआ था, उसने मुझे गाली सुनना पड़ा, क्योंकि आज पूजा के दिन पे हमें शुद्ध और एकदम शाकाहारी गन्ने चाहिए, तो मैंने शुद्ध और शाकाहारी गन्ने नहीं लाए थे, इसलिए गाली करना पड़ा। अब मैं फिर से जा रहा हूँ अलग भाई को लेके, इस बार ये काटेगा, उस टाइम वो काटा था, इस बार तुम काटेगा, तो इस बार आई होप कि हम अच्छे वाले गन्ने लेके आते हैं। तो चलिए जाते हैं फिर से दोबारा शुगर केन की खेती पर। इस भाई को पकड़ लिया, मेरा शिकार बकरा बना लिया इसको, और उसको मैं काटने दे रहा, काटो भाई अच्छा से काटो, इस बार गाली नहीं खाना, ठीक है। तो गाइस इस बार फिर से हमारा मिस्टेक हो गया, पता नहीं क्या, मतलब इस बार टेढ़ा वेढ़ा हो गया, मतलब इस बार हमने सफा तो बहुत ही सफा गन्ने लाए थे, लेकिन इस बार बहुत टेढ़ा मेरा हो गया, तो इस बार मैंने फिर से दो भाई को पकड़ लिया, क्योंकि जब एक को लिया तब भी कुछ मिस्टेक हो गया, और एक को लिया तब भी मिस्टेक हो गया, इस बार मैंने दो को लिया, इसको और इसको, इस बार इसके ऊपर सब रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये कैसा खाता है देखते। और इस बार हम जा भी रहे अलग जगह पर, क्योंकि उस टाइम हम जा रहे थे उस तरफ, वहाँ पर इतना अच्छा था नहीं, तो इस बार हम जा रहे इस तरफ, पता नहीं इसने देखा होगा शायद कहाँ है, तो इस बार इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि ये कौन सा टाइप का और कैसा लाता है, अगर इस बार गाली खाया तो मैं खत्म, और इस बार ये गया, इस बार इसको पूरा मतलब आदमी क्या इसको मतलब प्राइस का मतलब बेइज्जती करवा दिया इसका, इतना खराब लाया ना ये, इस बार देखते इसका क्या होता है घर जाके। अभी गाइस देखिए अभी हम लेके जा रहे हैं, पता नहीं आप क्या होता है, क्या कहेंगे घर में इन लोगों का काम देख कर। तो वैसे अभी हम घर पहुंचने वाले, अभी देखते हैं रिएक्शन क्या होता है इस शुगर केन को ले जाकर। मैं इधर 3 पकड़ा हूँ, उधर हमारे भाई शायद 4 पकड़े हैं, तो 11 पीस लेके जा रहे हैं अभी हम, पता नहीं क्या रिएक्शन होता है, देखते हैं घर पहुंचने के बाद। पहुंच गए हम घर गाइस,
तो चलो देखते हैं। ये रहा गाइस उस टाइम का जो हमने लाया था। ये अंजा, हाँ ये अच्छा है, ये आम काटा है सब। दस क्रेडिट गोस्तो तुको। तो गाइस अभी हम काढ़ा काटने हैं, पता नहीं काढ़ा का मतलब क्या लिखना है, हमें लोकेशन बता दिया गया है कि किस जगह पर मिलता है और वो सेम मतलब शुगर केन की तरह दिखता है मतलब, और हमें लगता है कि वो यही है। ये भाई कह रहा था कि काढ़ा काढ़ा, मैं तो लेकिन फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ काढ़ा, इसको क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन इसमें एक सीजन होता है इसमें फूल फूलते हैं सफ़ेद सफ़ेद कलर, उसे हम सुखा का जलाते हैं, शायद ये होगा शुगर केन की तरह दिखता है, बोल रहे थे हमारे घर वाले, शायद ये होगा। चलो इसी को काट के ले जाते हैं, देखते क्या होगा, देखा जाएगा घर पहुँचने के बाद होता। तो ये रहा गाइस वो क्या क्या था, काढ़ा काढ़ा पत्ता या कह के काढ़ा घास, दो लाने को कहा था उसलिए हम दो लेके जा रहे हैं। अब इसके बाद शाम को पूजा होता है गाइस, वो पूजा वूजा दिखाएंगे आपको, और जो मिठाई उठाई बनती है वो मिठाई भी दिखाएंगे और आपको खिलाएंगे। शाम के बच चुके हैं चार, अभी सूरज ढलने वाला है, तो अभी हमारे जो दादी जो है वो मतलब जो रस्म है पूजा वूजा वो करेंगे, तो अभी हम जा रहे हैं घर पर देखने के लिए कि वो पूजा जो है रस्म वो कर रहे कि नहीं कर रहे। ये छठ पूजा का गाइस मतलब नियम ऐसा है कि जब सूरज ढलने वाला होता है तब मतलब ये लोग मतलब जो भी बड़े बुजुर्ग है घर के, ये दादी या कोई भी मतलब नाला या कुछ मतलब कि नदी है तो ठीक है, नदी या फिर कोई नाला वाला मतलब नाला मतलब पौंड मतलब जो लेक होता है ना, सॉरी गाइस पोखरी कहते हैं हम, वैसे में मतलब घुसकर पूजा करते हैं, तो वही मैं आपको दिखाऊंगा, तो चलो देखते हैं। आपने देखा कि किस तरह से मनाया गया ये छठ पूजा, तो गाइस मैं आपको कुछ इसके बारे में बताऊंगा कि छठ पूजा क्यों मनाया जाता है। तो गाइस मैं जितना जानता हूँ मतलब मैं उतना बताऊंगा, मतलब ये छठ पूजा जो है कि सूर्य देव जो है हमारे सन
उनको पूजा किया जाता है ताकि हमारे घर में सुख शांति बने रहे और लंबे समय तक जिए हर कोई, इसीलिए यह छठ पूजा जो मनाया जाता है। इसका डिटेल ही तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने गूगल में सर्च किया था तो गूगल बाबा आपको बताएंगा। तो गाइस आपको पता चल गया कि छठ पूजा क्यों मनाया जाता है और कैसे तरह से मनाया जाता है, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही था, आई होप आपको मज़ा आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा इसमें से। तो मिलते हैं गाइस अगले ब्लॉग पर, और तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।